फीचर्स ऑफ डिस्पर्जन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है। डिस्पर्जन मीन्स हमारे दिए हुए डेटा का एवरेज कितना दिए, बराबर ना, ये मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको हमारी सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती है वो भी समझाया था कि हमारी मीन मोड मीडियन जो है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू है और उसके थ्रू जो है हम डिस्पर्जन किस तरह से ढूंढेंगे, बराबर ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 2 + 4 + 9, बराबर ना, ये हमारे मीन ढूंढते हैं जिस तरह से हमने मीन ढूंढा था और उससे हमारा डिस्पर्जन ढूंढा था तो हमें आंसर 5 मिला था। तो 5 जो है वो 2 से कितना दूर है, 4 से कितना दूर है और 9 से कितना दूर है, बराबर ना। तो आई होप आपको डिस्पर्जन का मतलब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हमें पढ़नी है वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इसे हम किस तरह से ढूंढते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर्स जिसका यूनिट ऑलवेज सेम होता है, बराबर ना, और रिलेटिव मेजर्स जिस ये यूनिट फ्री होता है। नॉर्मली हमें इसमें सेम ही चीज़ पढ़नी है, इसमें रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस। और इसमें देखो हमने सिर्फ यहाँ कोफिशिएंट जॉइन करा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बराबर ना। और इन सभी में से